से एक बात सुन लीजिए, पहले तो एमपी पीएससी के स्टूडेंट को बता दूं कि इनका यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, और यूनिट नंबर जो 10 है वो बेसिकली मध्य प्रदेश के संबंध में है ना। और मैंने आप लोगों से बताया है कि पेपर जो फर्स्ट है बेसिकली वो मध्य प्रदेश के संबंध में ही पूछा जाएगा, तो इसलिए यूनिट नंबर 10 जो है आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को यूनिट नंबर 10 में कोई टॉपिक या कोई ऐसा कंटेंट या पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे एक दिन पहले आप बता दीजिएगा, मैं दूसरे दिन आप लोगों की उसकी क्लास जो है प्रोवाइड करा दूंगा यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक की। ठीक है, किसी भी यूनिट की अंतर्गत अगर कोई पीडीएफ नहीं मिला है तो आप मुझे एक बार मैसेज करेंगे, मैं उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप सभी की क्लास अब डेली 9 to 10 है, 9 to 10 AM जो आप सबकी क्लास है MPPSC की, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ये बच्चे अब जो है प्रैक्टिस करेंगे और एमपी सेट के सिलेबस को भी यहाँ पर फॉलो करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमपी सेट का सिलेबस में टोटली विद्वान पर दिया गया है कि एक विद्वान के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट और उसकी किताबें वगैरह जो भी अवधारणाएं दी गई हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब डेली क्लासेस बेसिकली एमपी सेट सोशोलॉजी की स्टार्ट हो रही है, और पर डे आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करना है, जो आप सब की जैसे अलेक्जेंडर हो गए, ठीक है, दरिदा हो गया, जीएस घुरई हो गए, इत्यादि विद्वान है, कार्ल मार्क्स वगैरह भी है, मैक्स वेबर है, उन सब की मैं क्लासेस जो है आप लोगों को पर डे प्रोवाइड कराऊंगा। उसके कंटेंट भी आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, एमपीपीएससी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उनके कंटेंट बेसिकली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर आपका जो भी कंटेंट गया है वो यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक के पूरे कंटेंट गए हैं समाजशास्त्र का। यूनिट नंबर 10 मध्य प्रदेश पर आधारित है, मैंने कल भी बताया था आज भी बता दिया है, तो आप लोग ये स्टडी करिए अब और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये देख लीजिए समाजशास्त्र का पेपर है। अब ये समाजशास्त्र का पेपर आपके सामने जो प्रस्तुत है, तो ये पेपर DSSB में भी समाजशास्त्र, समाज कार्य और अपराध शास्त्र दिया गया है, तो यहाँ पर DSSB की बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। साथ ही साथ एमपी सेट और एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि टोटली ये डिपेंड है समाजशास्त्र पर ही। UGC नेट सोशल वर्क की अगर मैं बात करता हूँ, यूनिट नंबर अगर आप सेकंड देखेंगे तो समाजशास्त्रीय अवधारणा है, वहाँ पर भी आपको ये मदद मिलेगा ये प्रश्न। तो यहाँ जो ये पेपर आप देख रहे हैं ये 2014 का जून का पेपर है ना। मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने 13 और 12 और 11 का पेपर कंप्लीट करवा चुका हूँ, और इत्यादि भी पेपर आप लोगों को समाजशास्त्र में कवर किया हूँ, जिसका मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दिया हूँ। ठीक है, अब ये जून है, उसके बाद दिसंबर का पेपर करवाऊंगा 2014 का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहला ही प्रश्न, समाजशास्त्र में शोध होता है, रिसर्च होता है, उससे सवाल पूछ लिया गया है। जिन परिवर्तों, परिवर्तों का मतलब होता है वेरिएबल्स, है ना, जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं क्या? शोध प्रश्न, परिकल्पना, अध्ययन का उद्देश्य या अध्ययन की समस्या, चार ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं, प्लीज इसका जवाब बताइएगा। क्या होना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट इस प्रश्न का, बताइए भाई। UGC नेट का ये जून 2014 का पेपर है और ये सोशोलॉजी का पेपर है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं जिन वेरिएबल्स का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को हम क्या कहते हैं? आसान सा सवाल, इतना समय आप क्यों ले रहे हो? सर ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी ही तो करेक्ट होगा। पर देखो, चरों की परीक्षण के बारे में आप जब भी कोई प्रोसेस की बात करते हैं तो वो हाइपोथेसिस में ही देखने को मिलता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, है ना, इसका मीनिंग क्या बनता है? परिकल्पना। और मैं सही जवाब आप लोगों को बता दूं कि जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना होता है उनके बीच के संबंध को परिकल्पना कहते हैं, और इसमें अनुसंधान प्रक्रिया में निष्कर्ष से पहले ही,
मतलब रिजल्ट सारांश सार से पहले ही, ठीक है, अनुसंधान प्रारंभ करते समय अनुमान पर आधारित ऐसे संभावित निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिनकी सत्यता का परीक्षण करना शेष रहता है या शोध प्रश्न से अलग होता है, और शोध प्रश्न और परिकल्पना के बीच मुख्य अंतर यह है कि परिकल्पना एक प्रयोगात्मक परिमाण की या रिजल्ट की आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसलिए चरों का परीक्षण किया जाना परिकल्पना के बीच के संबंध को दर्शाता है, और सही जवाब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बी सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्ल मार्क्स के अनुसार, देखिए मार्क्स का टॉपिक जल्द ही चलाऊंगा, कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा, टोटली जितना बेसिक रहेगा मैं यहाँ पे करवाऊंगा, लेकिन डीएसएसबी के बच्चों के लिए मैं करवा चुका हूँ, एमपीपीएससी के स्टूडेंट को भी ये कंप्लीट हो चुका है। तो मार्क्स के अनुसार समाज की, सॉरी मानव की प्रच्छन्न क्षमता है ना, कौन सी क्षमता, प्रच्छन्न पोटेंशियल इसको बोला जाता है, और कहा गया कि कार्य रूप में परिणत है या परिणत होती है, जिसको हम एक्चुलाइज्ड कहते हैं या वास्तविकता दर्शाते हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा गया कि मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणत होती है ना, परिणत होती है। तो जवाब बताइए, पहला ऑप्शन, जब लोकतंत्र जो है संस्थानीकृत होता है तब। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में उस समय मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य करना रिप्रेजेंट करती है या वास्तविकता को दर्शाती है या परिणत शब्द को दर्शाती है। तीसरा, पूंजीवादी अवस्था में, है ना, पूंजीवादी अवस्था में ड्यूरिंग द कैपिटलिज्म, एक प्रकार से स्टेज में, और आदिकालीन अवस्था में, है ना, परि मिट्यू एक स्टेज होता है जिसको हम लोग आदिकालीन अवस्था दर्शाते हैं, है ना। तो ह्यूमन पोटेंशियल शब्द दिया गया है और ये शब्द रिप्रेजेंट हुआ है कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो सही ऑप्शन का चुनाव क्या हो सकता है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आप कह रहे हैं, बी होगा। देखिए यहाँ आपको बता दें, बहुत बच्चे ने जैसे कार्ल मार्क्स का नाम देखा और उन्होंने पढ़ा है पूंजीवाद के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स ने उत्पाद के बारे में भी बताया है, कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र संस्थानीकृत के बारे में भी बताया है, कार्ल मार्क्स ने आदि काल के बारे में भी बताया है ना। इसका मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराया है, वहाँ पर इन चार पाँच शब्द होते हैं, एक साम्यवाद शब्द भी आता है, साम्यवाद शब्द भी आता है, ठीक है, इन सभी शब्दों के बारे में कार्ल मार्क्स का बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल केवल प्रच्छन्न क्षमता से है, अब ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि प्रच्छन्न क्षमता होती क्या है, तभी उन प्रश्नों को आप सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। देखिए, उत्पाद के तरीकों से उत्पादों के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, ये बात सार्वभौमिक सत्य है कि उत्पादन के जो तरीके हैं, जो मेथड हैं, उन्हीं से उत्पाद या उत्पादों के लक्ष्य जो है निर्धारित होते हैं या निरूपित होते हैं, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उत्पादन के तरीके में उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, है ना, जो उत्पादन के तरीके हैं, मेथड हैं, उनमें उत्पादन की सत्ता और उत्पादन के संबंध, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। ये तत्व जो हैं मानव की प्रच्छन्न कार्य क्षमता को विकसित करती है। क्या तत्व थे, उत्पादन के तरीके, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध, ये क्या हैं, तरीके हैं, ठीक है, इन तरीकों से ही उत्पादों को या उत्पाद के जो लक्ष्य होते हैं वो निर्धारित होते हैं, ठीक है। मानव की सामर्थ्य उत्पादों के वस्तुपरक के कार्यान्वित, कार्यान्वित का मतलब किसी क्रियाओं को संचालन में, मानव के सामर्थ्य उत्पादों
वस्तु परक में क्रियान्वित होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की सृजनात्मकता की जो क्षमता होती है उसमें वस्तु परकता का आवश्यकता या आवश्यक तत्व को शामिल किया भी जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे सामने उत्पाद होता क्या है, जानते हैं आप? प्लीज, उत्पादन का तात्पर्य पहले आप बताइए। उत्पादन का तात्पर्य क्या होता है? उत्पादन का अर्थ क्या होता है? संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में तैयार उत्पादों में बदलने के लिए संगठित एक गतिविधि होती है। ऐसे रूपांतरित संसाधन की मांग करना वह बेसिकली उत्पादन जैसे शब्द को रिलेट कराता है, है ना? उत्पादन जैसे शब्द को, यदि आपसे कोई पूछे कि उत्पादन का क्या मतलब है, तो उत्पादन का नाम सुनिए, ये वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूंजी, श्रम, भूमि सहित विभिन्न जो इनपुट होता है उसका उपयोग किया जाता है। इनपुट का, आपने इनपुट का क्यों प्रयोग किया? मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें। यस सर। ओके, तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर कि विभिन्न इनपुटों का उपयोग करके उत्पादों या सेवाओं के रूप में आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है, तो उस परिपेक्ष में ये शब्द रिलेट होता है उत्पादन, है ना? क्या शब्द रिलेट होता है? उत्पादन। तो उत्पादन में ये बात ध्यान रखिए कि जिसके अंतर्गत पूंजी, श्रम, भूमि सहित विभिन्न इनपुट का उपयोग किया जाता है, उन उत्पादों और सेवाओं के रूप में आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है क्रिया उत्पादन को। उत्पादन का मतलब सिंपल होता है, है ना? आप कह सकते हैं कच्चे माल या घटकों से माल और उत्पाद बनाने या विनिर्माण करने की प्रक्रिया को हम लोग उत्पादन कह सकते हैं, है ना? सवाल आसान है कि मानव की प्रचंड क्षमता कार्य के रूप में परिणत होती है और वह उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, है ना? आप जवाब बताइए यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहे हैं। उस संबंध को क्या कहा जाता है? उस संबंध को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल में, मतलब एक चर में परिवर्तन सदैव जो है दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, एक प्रकार से मोटिव करता है। तो सही तो वेरिएबल यहाँ पे कार्य और जो है प्रभाव का संबंध होगा, है ना? आप इस बात को ध्यान रखिए कि जिस संबंध में एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है ना, उसे कार्य और प्रभाव संबंध कहते हैं। सांख्यिकीय संबंध जो है परिवर्तन की भविष्यवाणी करता है, सांख्यिकीय संबंध, है ना? और यह भी बताता है कि एक चर के दूसरे चर में परिवर्तन होने में क्या अंतर प्राप्त हुआ है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक चर दूसरे चर का कारण बनता है, ये बात आपको पता है। तो सिंपल सी बात है कि कार्य और प्रभाव का जो संबंध होता है इसी को कहा जाता है कि एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को मोटिव करता है, प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ना कि बी होगा, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फैक्ट पर आधारित है। टोटली निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्लीज इस प्रश्न का जवाब एक बार मुझे बताएं। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर संघर्ष के सिद्धांत में बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि ऑप्शन नंबर बी। सवाल आसान था, आपने संघर्ष का सिद्धांतों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अब संघर्ष के सिद्धांत में देखिए केवल अगर एक जगह ही नाम आया हुआ है, यहाँ पर कार्ल मार्क्स,
इसलिए आप आसानी से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि संघर्ष के सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत किसको माना गया है, तो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का, और सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। सर इसमें मैक्स वेबर को कैसे मतलब करेंगे, ऑप्शन तो यही सही है पर मैक्स वेबर को कैसे करेंगे रिलेट? ओके, देखिए पहले तो आप इस चीज को जान रही है कि मार्क्स मानते हैं कि सभी समाजों का जो इतिहास है वो संघर्ष का इतिहास रहा है, ये बात मार्क्स मानते हैं। समाज में स्वामी हो या दास, सामंत हो या श्रमिक, बुजुर्गवा हो या सर्वहारा, अंततः इसके बीच का संबंध हितों के पारस्परिक संघर्ष का ही रहा है, ये बात आप सबको भलीभांति तरीके से पता है। परंतु वहीं मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग एक पूंजीवादी समाज की अवधारणा है, ये बात मैक्स वेबर की है। वर्ग एक पूंजीवादी समाज की अवधारणा है जो पुरातन समाज में नहीं पाई जाती है। वर्ग मुख्यतः व्यक्ति की बाजार स्थिति है, वर्ग जो है मुख्यतः व्यक्ति की बाजार स्थिति है। इन्होंने यह माना है कि विभिन्न वर्गों के बीच का संबंध विरोधाभास का होता है ना, एक प्रकार से विरोधाभास का मतलब कॉन्फ्लिक्ट जैसे शब्द को दर्शाता है, संघर्ष जैसे शब्द को दर्शाता है, और कहा है कि विवाद को सुलझाया भी जा सकता है, ये बात मैक्स वेबर की है। इसलिए मैक्स वेबर संघर्ष के सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत के रूप में जाने जाते हैं या माना जाता है। विवादों को सुलझाया जा सकता है, जब विभिन्न वर्गों के बीच में विरोधाभास आ जाए तो उस विरोधाभास के अंतर्गत विवाद हो सकता है और उन विवादों को सुलझाया जा सकता है। और क्योंकि वर्ग मुख्यतः व्यक्ति की बाजार स्थिति होती है ना, और व्यक्ति जहां पर है जाहिर सी बात है संघर्ष भी वहीं पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, वक्तव्य दिए गए हैं दो, जिसमें एक कथन मिलेगा आप इसे अभिकथन कहते हैं, दूसरा कारण मिलेगा जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां बेसिकली अभिकथन में दर्शाया गया है कि लेवी स्कोजर और रेडाल कॉलिंस महोदय ने, ये दो विद्वान हैं लेवी स्कोजर और रेडाल कॉलिंस, दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? जी सर, बिल्कुल। अगर आप जब संघर्ष या द्वंद्वात्मक का सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इन विद्वानों के नाम भी देखने को मिलेंगे आपको, और मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, जो कारण में लिखा हुआ है कि दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं, ये बताइए ऑप्शन क्या है, सत्य है या असत्य है? ये सही नहीं है सर। चलिए एक बार बताइए सही क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपने बी जो है ऑप्शन का चुनाव किया है कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो आप एक बार जरा स्पष्टीकरण करें कि आर क्यों गलत है। क्योंकि सर कोजर जो है वो संघर्ष के प्रकार्यात्मक संबंध के बारे में बात करते हैं, स्वरूप के बारे में बात करते हैं, जबकि कॉलिंस ऐसा नहीं सोचते हैं। नहीं, प्रकारात्मक तो शब्द ही नहीं यहाँ पे, संघर्ष विचारधारा के मतलब पॉजिटिव रूप में लेते हैं, वो तो सोचते हैं कि भरण पोषण है बट कॉलिंस नहीं है। चलो अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात आप ध्यान रखिए, ये जो कॉलिंस महोदय का नाम है, इनका मानना है कि मार्क्सवादी सिद्धांत अस्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत के लिए आधार प्रदान कर सकता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत जो है अस्तरीकरण के संघर्ष के सिद्धांत के आधार को प्रोवाइड कराते हैं, उसकी बेस को बताते हैं। तो दोनों समाज के भरण पोषण में संघर्ष का कार्य पर बल देते हैं, दोनों नहीं देते हैं, केवल एक पर्सन यहाँ पर अपनी भूमिका निभाता है ना, एक पर्सन जो है, अगर मैं बात करता हूँ, एक पर्सन भूमिका अपना निभाता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए लेवी स्कोजर और
रडाल कलिंस दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है, ये बात सत्य है। दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल भी देते हैं, ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। बात को ध्यान सुनिएगा, दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल भी देते हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन ये दोनों विचारक संघर्ष के प्रकारवादी विचारक हैं, ये दोनों विचारक जो हैं संघर्ष के प्रकारवादी विचारक हैं। संघर्ष में किसके प्रकारवादी? कोजर पहले समाजशास्त्री थे, कोजर महोदय पहले समाजशास्त्री थे, जो संरचनात्मक कार्यात्मकता और संघर्ष सिद्धांत को एक साथ लाने की कोशिश किया था। क्यों? कोजर संरचनात्मक कार्यात्मकता और संघर्ष का सिद्धांत, ये दोनों जो हैं बेसिकली जो शब्द हैं उसको एक साथ लाने का कोशिश किया था कोजर। उनका काम सामाजिक संघर्ष के कार्यों को खोजने पर आधारित था। किसका? कोजर का। सामाजिक संघर्ष के कार्यों को खोजने पर आधारित था कोजर का। तो लेविस कोजर ने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, MPPSC के स्टूडेंट ध्यान रखें, फंक्शन ऑफ या फंक्शनल ऑफ, ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। और ये किताब सन 1956 में आया था। तो संघर्ष का प्रकारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कोजर ने इस किताब में, फंक्शनल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में, है ना। अब बात आती है कॉलिंस, तो कॉलिंस ने संघर्ष का मूल कारण शक्ति के स्रोत को माना, पावर को माना। कौन? कॉलिंस ने सत्ता यानी पावर को, है ना, शक्ति का स्रोत माना, जो व्यक्ति में निहित होता है। जो किसमें निहित होता है? व्यक्ति में पाया जाता है पावर यानी शक्ति, और ये व्यक्ति ही संगठन का निर्माण करता है, व्यक्ति ही संगठन का निर्माण करता है, कॉलिंस कहता है। तो संघर्ष के लिए प्रेरित होते हैं, तो ये स्रोत सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संगठन हो सकते हैं। जो रिसोर्सेज होंगे वो बेसिकली सामाजिक, ठीक है, आर्थिक राजनीतिक संगठन हो सकते हैं। यही टर्म, यही सब अलग कर देता है जो है रडाल कॉलिंस और लेविस कोजर को। लेकिन दोनों ही समाज के भरण पोषण के संघर्ष के इस कार्य पर बल देते हैं, ये बात यही सत्य नहीं होती, ये बाद की बात है। ये स्टेटमेंट आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि मुझे अभिकथन और कारण के माध्यम से जाना है। बहुत बच्चे इस ऑप्शन में ए का भी चुनाव किए होंगे, क्योंकि दोनों ही समाज के भरण पोषण में, है ना, संघर्ष के कार्य पर, संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं, ये बात सत्य है। ये बाद की बात कि भरण पोषण वाला, लेकिन किस परिपेक्ष में भरण पोषण? तो कलिंस का जो भरण पोषण बनेगा वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संगठन के माध्यम बनेगा। जो लेविस कोजर का बनेगा वो संरचनात्मक कार्यात्मक और संघर्ष के सिद्धांत के साथ लाने का जो कोशिश किया था, जहां सामाजिक संघर्ष के कार्य को खोजने पर केंद्रित था, उस पर बन जाता है कोजर का पार्ट, ठीक है। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। दोनों की विचारधाराओं की बात कहा गया था, विचारधाराएं थी यहां पे लिखा हुआ, और विचारधारा की वजह से ऑप्शन बी का चुनाव हुआ है, है ना। तो विचारधाराएं तो अलग अलग थी, है ना,
और इन विचारधाराओं में जो बात हो रही थी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक को लेकर, ये बाद की बात है कि वहां पर व्यक्तियों को क्या किया जा रहा है, भरण पोषण किया जा रहा है। तो इस परिपेक्ष में ऑप्शन प्राथमिकता के आधार पर बात ही कॉन्सेप्चुअल, इसीलिए प्रश्न गलत होता है विकथन कारण वाले में, क्योंकि ये चीजें समझना अत्यंत आवश्यक होता है। मेन टर्म यही है व्यक्ति पर ये, और दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूं तो संरचनात्मक कार्यात्मकता और संघर्ष का सिद्धांत एक साथ लाने के साथ साथ सामाजिक संघर्ष के कार्यों को खोजने की बात, तो कोजर का क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह का कारण बता सकते हो क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 ए, आप ए कह रहे हैं, ऑप्शन बी भू स्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी का नाम ले रहे हैं आप, ठीक है, प्रजाति संघर्ष। ओके, सुनिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह का कारण प्रजातीय संघर्ष और विकास वंचन, जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्रोही समूह का सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल होने के पिछले 5 से 6 वर्षों में उग्रवाद से भारी गिरावट दिख रही है। गृह मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2014 के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह में कमी आ रही है या देखने को भी मिला है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पूर्वोत्तर में 100 से अधिक जातियाँ हैं, यहाँ ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनकी संस्कृति की एक अलग और विशेष पहचान है। इनमें से प्रत्येक समुदाय में पहचान की एक प्रबल भावना होती है। तो प्रजातीय संघर्ष और विकास वंचन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है, क्योंकि यहाँ मूल निवासी और बाहर के लोगों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता है। आर्थिक वंचन शब्द है, असमानता है, शोषण है, समुचित विकास का ना होना भी है, ये सब रीजन है, कारण है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में विद्रोह का प्रमुख रीजन बन जाते हैं। तो क्षेत्र ऐसे कई समूह इस विशिष्टता को राजनैतिक और सामाजिक रूप में विभक्त किया जाता है या अविभक्त करना चाहता है। तो इसके कारण क्षेत्र में कई विभाजनकारी ताकतें कार्य कर रही हैं, जिसके वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद का जन्म हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है ना, विद्रोही समूहों के बीच में अगर असहमति होगी तो भी बन जाता है पार्ट, है ना, लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी वो प्रक्रियाएं बेसिकली बन जाती हैं। वार्ताओं में संलग्नता की बात करें, बाहरी सहायता की समाप्ति की भी बात कर दे तो भी ये पार्ट बन जाता है। तो ये कहते हैं कि हिंसा में गिरावट का कारण बन गया, हिंसा का मतलब विद्रोह होने का कारण बन गया, है ना, और ये रीजन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। भूस्वामी परिवर्तन गरीबी नहीं है, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार भी नहीं है, धार्मिक कट्टरवादता और आतंकवाद का पार्ट भी नहीं है। केवल और केवल पूर्वोत्तरी क्षेत्रों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आप लोग इधर सेवन सिस्टर वाला एरिया देखते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उस एरिया की बात, तो वहाँ बेसिकली प्रजातीय संघर्ष और विकास वंचन शब्द रिलेट होता है। जानते हैं ये वंचन शब्द क्या होता है? प्लीज, वंचन कमी के सर, वंचित रहना सर, जो एक्चुअल विकास वहाँ पे होना चाहिए वो नहीं है, वहाँ पे ठगी, एक प्रकार से धोखा देना, है ना, वंचन करना। वंचन का मतलब सीधा सीधा आप समझिए, धूर्तता से, धोखा देने से, ऐसे शब्द रिलेट हो गया। आप जैसे वंचित शब्द जानते ही होंगे, किसी चीज़ों से आपने क्या कर दिया, उसको वंचित रख दिया, योजनाओं से, कार्यक्रमों से, इत्यादि चीज़ों से।
तो विकास वंचन है ना, तो जाहिर सी बात है कमी विकास के, विकास की कमी से प्रजाति संघर्ष की प्रक्रिया, ये दो शब्द हैं, दो शब्द के रीजन बनते हैं यहाँ पर, और ऑप्शन सही बन जाता है ये वाला। सातवां क्वेश्चन देखिए, टाउन्स जो है टाउनसेड ने बल देकर कहा है, ये विद्वान का नाम है ना, ये विद्वान का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, और कहा कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए, जो सापेक्षिक वंचन शब्द होता है या जो सापेक्ष वंचना होता है वह कमी है जिसके कारण व्यक्ति समूह के आहार जीवन शैली गतिविधि सुविधाओं को बनाए रखना संभव ही नहीं होता, जिन्हें उस समाज में व्यापक रूप से प्रोत्साहित या स्वीकृति किया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं। तो ये सापेक्षिक वंचना शब्द होता है। मैं आप सबसे कहूंगा कि यह स्टेटमेंट आपका सत्य है कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और यह कथन दिया गया है टाउसलैंड के द्वारा या टाउन सेड के द्वारा, यह बात आप ध्यान रखिएगा यहां पे। आगे आपसे एक और स्टेटमेंट आता है कारण के रूप में, कहा कि समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है, समाज कि ये भी बात सत्य है, समाज लोगों की आवश्यकताओं और खाद्य सामग्री का उपभोग का निर्धारण करता है। अच्छा, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि कथन में गरीबी का उसका सदस्य बनकर ही समझा जा सकता है। अगर आप कथन में गरीबी को उसका सदस्य बनकर समझते हैं तो स्टेटमेंट वहां पर करेक्ट माना जाएगा, लेकिन समाज लोगों की आवश्यकताओं और खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है, क्या यहां पर यह स्टेटमेंट सत्य है? प्लीज देखिए, सापेक्ष अभाव एक विशेष रूप से सापेक्षिक गरीबी है, सापेक्ष गरीबी का एक माप गरीबी का एक सापेक्षिक गरीबी रेखा के नीचे के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि ऐसे परिवार की औसत आय 20% से कम कमाते हैं तो उन कंडीशन में दर्शाया जाता है। मेरे कहने का जो आशय है कि टाउसलैंड ने यह बात सही कहा है कि वस्तुनिष्ठ रूप से गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, दूसरा समाज के लोगों की आवश्यकताओं और खाद्य सामग्री के उपयोग जो है उपभोग का निर्धारण करता है, ये भी बात सत्य है, लेकिन इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है, देखिए मैं अगर आपसे बात करता, एक वस्तुनिष्ठ शब्द दर्शाता है जो बेसिकली टोटली प्रक्रियाओं पर डिपेंड होता है और उसके गुण पे नहीं, जिस तरीके से समस्या है उसी समस्या के उसी के आधार पर आपको समाधान करना पड़ता है, और जब हम वस्तुनिष्ठ की बजाय व्यक्तिनिष्ठ पर बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम बात करने लगते हैं। अब गरीबी केवल सापेक्षिक वांछना के रूप में रिप्रेजेंट होती है, ये वस्तुनिष्ठ के रूप में आधारित है टाउसलैंड के द्वारा या टाउनसेड के द्वारा, टाउनसेड के द्वारा, ये बात सत्य है। दूसरी बात, उसके आधार पर अगर मैं करता हूँ वस्तुनिष्ठ को लेकर, तो यहाँ पे समाज लोगों की आवश्यकताओं और खाद्य के उपभोग निर्धारण करता है, ये भी बात सत्य है, लेकिन उसके आधार पे, लेकिन वस्तुनिष्ठ के आधार पे ये टाउन सेट ने ये बात नहीं कही है। टाउन सेट ने कहा क्या था? टाउन सेट ने ये कहा था कि गरीबी को उसका सदस्य बनकर ही समझाया, अगर उसका सदस्य यहां पर लिखा होता तो यहां पर व्याख्या होती, अदरवाइज व्याख्या नहीं है, उसने इसका सदस्य बनकर बोला है कि सदस्य बनकर ही गरीबी को समझा जा सकता है, गरीबी को समझा जा सकता है।
यदि ये लिखा होता किसी पॉइंट को संदर्भित करता तो आप कहते कि व्याख्या है भाई, आप ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करें, अदरवाइज ऑप्शन नंबर आप डी का चुनाव करें। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ये आपकी बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवी कृत्य समाज है, ईश्वर दैवी कृत्य समाज है, यह सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। आसान सवाल, जवाब आप दे सकते हैं प्लीज। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर सर, ऑगस्ट कॉम्टे, कॉम्टे लग, कॉम्टे सी। यूजीसी नेट समाजशास्त्र में ये प्रश्न आया आया हुआ है अभी तक, और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ईश्वरी या ईश्वर दैवीय कृत्य समाज है या कथन दुर्खिम का है। ये कथन इमाइल दुर्खिम का है। इमाइल दुर्खिम का सुझाव है कि ईश्वर दैवी कृत समाज है, इन्होंने दैवी आदेश को महत्व दिया है क्योंकि इसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। पर आपने 12 नंबर पे क्लिक कर लिया है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, आठ में डी। तो इमाइल दुर्खिम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ईश्वरी दैवी शक्ति बेसिकली रिप्रेजेंट होता है, तो इन्होंने दैवी आदेश को महत्व दिया है क्योंकि इसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है, उसमें समाज में समरूपता का भाव होता है और उन सबकी समाज में एक ही पहचान होती है। दुर्खिम समाजशास्त्र में वास्तविक पिता माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि समाज का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है बल्कि समाज में ईश्वर का निर्माण किया है, बल्कि समाज ने ईश्वर का निर्माण किया है, तो ईश्वर दैवीकृत समाज है। ये बात इमाइल दुर्खिम का स्टेटमेंट को दर्शाता है और सही ऑप्शन आपका डी यहां पर सही माना जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक विद्वान का नाम, इवाइंस पिचार्ड का नाम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट महोदय हैं। आपको बता दें इनके बारे में, थोड़ा सा नया नाम आप लोग देख रहे हैं, सर एडवर्ड इवान इवॉस प्रिचर्ड मानव विज्ञानी थे। इन्होंने सामाजिक नृविज्ञान के विकास में एक अहम या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ये जाने जाते हैं भविष्यवाणी और उनके बीच जादू को लेकर, भविष्यवाणी और जादू को लेकर। भविष्यवाणी के बारे में मैलिनोवस्की ने नहीं कहा है, लेकिन जादू और टोना के बारे में मैलिनोवस्की का नाम आता है, मैलिनोवस्की का नाम आता है। इनके छात्र एम एन श्रीनिवासन भी हैं, मैरी डगलस भी हैं, है ना, आंद्रे सीगर करके एक विद्वान है, वो भी इन्हीं के जो है स्टूडेंट हैं प्रिचर्ड के। और इनका जो क्षेत्र कार्य है, जिनका क्षेत्र कार्य है, संस्कृतिकरण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं ये, ठीक है, संस्कृतिकरण में, जोखिम में भी अपने विचार को प्रकट करते हैं ये, जोखिम जैसी क्रियाओं में। इन्होंने थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन्स प्रकाशित किया है, थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन्स सन 1965 में, ये एक सिद्धांत है इनका, है इन्हीं का
सिद्धांत है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा इनके अंतर्गत। बाकी इस सवाल का सही जवाब होगा ईश्वर दैवीकृत समाज है, ये इमाइल दुर्खीम का है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय परिवार में माता पिता, देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं पुनर्समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है, प्रौढ़ समाजीकरण क्या होता है, प्रत्याशित समाजीकरण क्या होता है, अभी सबके बारे में बताऊंगा। भारतीय परिवार में माता पिता अपने पुत्रियों को ससुराल में, भारतीय परिवार में क्या होता है कि माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी और पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण बनेगा? पुनर् का मतलब होता है कि आप दोबारा उसको जो है बेसिकली बनाने का प्रयास कर रहे हैं या उसको दोबारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एंटी जो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्याशित समाजीकरण। मैं आपको बता दूं भारतीय परिवार में ना माता पिता अपने पुत्रियों को ससुराल में उत्तर जो है एक प्रकार से उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए उनको जो तैयार करते हैं वह पार्ट एक प्रकार से प्रत्याशित समाजीकरण बनता है, है ना? मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप यूजीसी नेट एमपी सेट में आप एक सही मार्क्स लेके आए और आपका सिलेक्शन हो, है ना? इस दृष्टिकोण से आप लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन को भी मैं कह सकता हूँ कि प्रत्याशित समाजीकरण का पार्ट है, क्योंकि आप उससे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे आने वाले समय में, ये भी एक प्रकार से प्रत्याशित समाजीकरण का ही मतलब तैयार करना बोलेंगे क्या? नहीं, ये प्रत्याशित का मतलब तैयार करने से नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रत्याशित का एक भाव रिप्रेजेंट होता है कि हम किसी चीज को लेकर आकांक्षाएं दर्शा रहे हैं, एम्बिशन को दर्शा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रत्याशित संदर्भ में दर्शाते हैं। उस तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है यहाँ पर कि जिसमें एक व्यक्ति नए सामाजिक समूह में शामिल होने जा रहा है, ठीक है? एक व्यक्ति क्या हो रहा है कि नए समूह में शामिल होने की प्रत्याशा में सोचना और व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो उन मानदंड या मूल्य या विचारों को अपनाने लगता है ताकि नई भूमिका में वो जाके फिट बैठ सके या आसानी से वो चीज़ें एक्वायर कर सके। उन संदर्भ में प्रत्याशी शब्द को लिया जाता है, है ना? उन संदर्भ में प्रत्याशी, बताइए, इतनी बात बताइए, समझ में आया कि नहीं? जी सर, आगे। तो कानून स्कूल के छात्रों को वकीलों की तरह तरह का व्यवहार सिखाता है कि नहीं? शिक्षक भी छात्रों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से, उन्हें भी नए नए तकनीक के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर या वो अपने भविष्य को लेकर सही मार्गदर्शन के रूप में आगे बढ़ सके, इन कंडीशंस में भी ये शब्द रिलेट होता है प्रत्याशित। तो कहने का आशय यहाँ पर बनेगा कि संगठन में योगदान देने से पहले काल प्रत्याशित समाजीकरण कहलाता है, और प्रत्याशित समाजीकरण में व्यक्ति कई बार अपनी आने वाली भूमिकाओं का पहले से ही पूर्वाभास कर उनकी तैयारी करने लगता है, जो आप कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी, पूर्व से ही की गई तैयारी इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है कि यह प्रत्याशित समाजीकरण है, ये प्रत्याशित समाजीकरण है। आप में से किसी बच्चे ने पुनर्समाजीकरण शब्द को रिलेट कराया था ऑप्शन नंबर बी को? पुनर्समाजीकरण को हम लोग पुनः समाजीकरण भी कहते हैं, है ना? पुनर्समाजीकरण को हम लोग पुनः समाजीकरण भी कहते हैं। अब पुनः समाजीकरण का जो अर्थ होता है यह पूर्व व्यवहार पैटर्न को दर्शाता है, पूर्व व्यवहार पैटर्न को दर्शाता है या पूर्व व्यवहार पैटर्न को हटाने और जीवन में अवांथर, अवांथर का मतलब जानते हैं? एक ऐसा टर्म है ये जो
एग्जाम में हमेशा यूज होता है, मतलब बदली हुई अवस्था, बदली हुई अवस्था या दूसरी कंडीशन आप कह सकते हो। तो जीवन में बदली हुई अवस्था के हिस्से के रूप में नए को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है, आपने बदली हुई अवस्था को संचालित किया और नए को स्वीकार कर लिया, तो यानी पुनः हो गया, अपने पुनः समाजीकरण में आ गए, है ना। तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण तो साधन है जिसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता प्राप्त होती है। और पुनः समाजीकरण क्या है? सामाजिक भूमिका से दूसरी सामाजिक भूमिका में उनके परिवर्तन को बढ़ावा देना। एक लाइन में लिख लीजिए कि एक सामाजिक भूमिका से दूसरी सामाजिक भूमिका में उनके परिवर्तन को बढ़ावा देना। क्लियर है? बताइए सर, एक एग्जांपल बता दीजिए, क्योंकि मैं इस दोनों में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। अरे भी पुरानी जो यहाँ पे पूर्व या पुनः समाजीकरण का शब्द बनता है, सिंपल है, कहता है कि एक सामाजिक भूमिका आपकी है इस समय यूजीसी नेट की, ठीक है। अब मैं यूजीसी नेट को हटाकर आपको DSSSB की भूमिका में जोड़ रहा हूँ, दूसरी सामाजिक भूमिका में परिवर्तन कर रहा हूँ आपको, आपको टोटली डिफरेंट चीज़ें ये करा रहा हूँ आपके लिए। तो आप बताइए इस कॉन्सेप्ट से इन कॉन्सेप्ट में बदले कि नहीं बदले? ठीक उसी प्रकार से एक सामाजिक भूमिका से दूसरी सामाजिक भूमिका में जाना। आप जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं अदर कंट्रीज वगैरह में, तो आप उनकी भूमिकाओं में ढलने का प्रयास करते कि नहीं करते हैं? कि आप यही है जो आपका भूमिका जैसे दिल्ली की है या मध्य प्रदेश की है, क्या आप उसी रोल में रहते हैं? यदि आप उसी रोल में रहेंगे तो एडजस्ट तो हो ही नहीं पाएंगे, आपको बदलना पड़ेगा वहाँ पर। अगर आपको वहाँ पर एडजस्ट होना है तो इसका मतलब है कि आप पुनः समाजीकरण कर रहे हैं। पुनर्समाजीकरण और पुनः समाजीकरण मतलब एक प्रकार से बदलने की प्रक्रिया है, कि एक समाजीकरण से दूसरे समाजीकरण में बदल रहे हो आप। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति को नए मानदंड, मूल्य, नए प्रथाओं सिखाई जाती है। एक व्यक्ति को आपको नए मूल्य सिखाए जा रहे हैं, आपके नए मानदंड सिखाए जा रहे हैं, मानदंड सिखाए जा रहे हैं, नई प्रथाएं आपको सिखाई जा रही है, वही तो पाठ है पुनः समाजीकरण या पुनर्समाजीकरण, उसी को बोला जाता है। एक शब्द आपके सामने समाजीकरण, अभी समाजीकरण तो मैंने आपको बता ही दिया सोशलाइजेशन भाई, कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समाजीकरण। अब एक ऑप्शन आपके सामने और आता है, वो आता है प्रौढ़ समाजीकरण। प्रौढ़ समाजीकरण को बेसिकली वयस्क भी बोला जाता है। वयस्क समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण तब होता है जब लोग वयस्क भूमिका निभाते हैं और उनकी अपेक्षाएं सीखते हैं। वयस्कों को सिखाना चाहिए कि कर्मचारी, जीवन साथी और माता पिता कैसे बने। एग्जाम्पल के लिए, एक नए पड़ोस में रहने वाले वयस्क को नई संस्कृति की अपेक्षाओं को सीखना चाहिए, तो आप कहोगे ये वयस्क समाजीकरण है या प्रौढ़ समाजीकरण है, एडल्ट सोशलाइजेशन कहा जाता है इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए। जी सर, आसान सवाल और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या कहता है, क्या सुनिए जरा, अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वयं हित से अभिप्रेरित होते हैं। चार, संघर्ष, विनिमय, अंतर व्यवहार और संरचनात्मक। अंतर व्यवहार। आप सोचिए कि अंतर व्यवहार लिखा हुआ है, तो अंतर व्यवहार में लोग स्वयं हित से अभिप्रेरित होते हैं, तो आपने सीधा अंतर व्यवहार को ही लगा दिया। अन्य लोगों के साथ भूमिका बन रही है विनिमय। हाँ, विनिमय। विनिमय का जो सिद्धांत रिप्रेजेंट होता है उन संदर्भ में लिया जाता है बेसिकली
अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार, लोगों या लोग स्वहित से अभिप्रेरित बनते हैं। मेरे कहने का आशय अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपको दर्शाएगा यहां पर बी। तो विनिमय का सिद्धांत ये कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं, क्योंकि लोग वही संबंध बनाना चाहते हैं जहां उस संबंध का प्रतिफल हो। यह संबंध लाभ पर निर्भर करता है। आपने नाम सुना भी होगा, यदि आप मेरे आने वाले भविष्य में काम के हैं तो मैं आपके साथ रिलेशंस या रिश्तेदारी निभाऊंगा, यदि आप मेरे किसी काम का नहीं है तो फिर मैं नहीं निभाऊंगा आपके साथ। तो अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार के लोग में स्वहित से जो अभिप्रेरित वाली भूमिका बन रही है वो एक्सचेंज की बन रही है, विनिमय की बन रही है। और मैं आपको बता सकता हूं कि सामाजिक विनिमय का सिद्धांत का जो ढांचा था यही बात जॉर्ज होमस समाजशास्त्री हैं उन्होंने बताया था। किसने बताया था? जॉर्ज होमस ने। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अंतर व्यवहार एक शब्द दर्शाया गया है, तो अंतर व्यवहार बता दूं मैं आपको कि व्यक्तिगत व्यवहार को पर बात हुई है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के व्यवहार की बात हुई है। अब वो आंतरिक, देखो एक आंतरिक व्यवहार होता है, एक बाह्य व्यवहार होता है, उन संदर्भ को ये संदर्भित करता है, उसको आंतरिक व्यवहार कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार प्लीज बताइए। जी सर, क्लियर। दूसरों के विचारों को समझने और संवाद स्थापित करने में, दूसरों के विचार, आपके विचार समझने और संवाद स्थापित करने में सहजता प्रदान करती है, और उसी की बदौलत वे आत्मविश्वास के साथ संवाद कर पाते हैं, तो वह अंतर व्यवहार का पाठ बनता है। वह अंतर व्यवहार का पाठ बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और संघर्ष तो आपको पता ही है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्तियों या समूहों के बीच हित, उपेक्षाएं, अपेक्षा, मूल्य, विचार में अस्वीकार, मतभेद हो जाए, तो वहां संघर्ष तो बनना पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, आपका सामने एक संरचनात्मक शब्द है, स्ट्रक्चर। किसी काम या प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए, है ना, जैसे वातावरण, जमीन, पानी, परिवहन, साधन, उपकरण, लोग, कानून की जब दरकार होती है तो उन कंडीशन में हमें एक क्रियाओं को संचालन करना पड़ता है। तो किसी चीज की संरचना से संबंधित या उसे प्रभावित करने के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है तो उसे संरचनात्मक कहा जाता है या संरचना बन जाती है। तो परंतु सवाल तो अन्य लोगों के साथ था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए सवाल। देखिए, सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन शब्द जो है पीटर सडर्सन का नाम आता है इस कंडीशन में। पीटर सडर्सन ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे तो वहां पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। सन 1989 की बात है। ये पुस्तक समाज में वर्गीकरण और उसके बाद होने वाले परिवर्तन पर आधारित था। समाज में होने वाला वर्गीकरण और उसके बाद जो परिवर्तन समाज में आएगा उस पर आधारित था ये, सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन। सहमत हैं इस बात से? प्लीज, होना चाहिए भाई, होना चाहिए आप लोगों को, है ना। द पावर एलिट जो है, द पावर एलिट, प्लीज। क्या बात है, आप कह रहे हैं कि दी पावर एलिट स्टेटमेंट नामक पुस्तक अगर किसी के द्वारा प्रकाशित की गई है तो वह बेसिकली आप कह सकते हो कि मिल्स CW के द्वारा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ऑप्शन 3 मैच हुआ है। किताब सन 1956 की है, जो दर्शाती है कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय कुछ गिने चुने व्यक्ति ही कर सकते हैं और अन्य सभी उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। तो
उस पर आधारित है दी पावर इलिट पुस्तक, और पावर सिटी एंड पावर पावर सॉरी क्लास है क्लास सिटी एंड पावर नामक पुस्तक कैस्टेलस एम के द्वारा दी गई है, यानी सेकंड, और ये किताब 1978 की है। आप ये भी बात कह सकते हैं कि इस किताब में ना समाज के उच्च और निम्न वर्गों में वर्गीकरण के बाद लोगों के नज़रिए के बारे में बताया गया था इस पुस्तक में। और क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किताब किसके द्वारा दी गई है, टीबी मोर्टिमर के द्वारा, और ये किताब दिया गया सन 1955 में। और ये किताब आधुनिक समाज में वर्गीकरण और पूर्वी यूरोप के लोगों का उच्च और निम्न वर्ग में बदलाव पर लिखी गई है। तो जिस ऑप्शन में 4, 3, 2, 1 आ रहा है वो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? जो नोट्स वगैरह मैं लिखवाता हूँ उसको थोड़ा पढ़ा करो, है ना। समाजशास्त्र समाज कार्य को देखिए, ये सवाल यूजीसी नेट सोशल वर्क के स्टूडेंट ध्यान देखें कि समाजशास्त्र समाज कार्य को समझने का विज्ञान है, बात सही है। यह कथन मैक्स वेबर का है, इन्होंने कहा है कि कर्ता की वह अर्थपूर्ण क्रिया जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति के प्रभाव में या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए की जाती है उन्हें सामाजिक क्रियाएं कहा जाता है। और सामाजिक क्रिया होने के नाते आपने पढ़ा भी होगा कि यह अवधारणा किसकी मिल जाती है, मैक्स वेबर की। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस का विचार किसने दिया था? इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का विचार किसकी देन मानी जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने है और यह विचार आप बता भी सकते हो, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही फेमस नाम, पेपर में खूब पूछा जाता है इसका नाम, बताइए। यहाँ चारों ऑप्शन अपने आप में महारत हासिल कर रखे हैं, प्लीज बताइए सही जवाब क्या सर होगा? ए सी तक ही आप लोग हैं, उसके आगे भी बढ़े ओके। आप कह रहे हैं कि राउफ टोरेंडॉर्फ है ना, और राउफ टोरेंडॉर्फ का नाम सत्य है यहाँ पे, सही है। यूरोपियन कमिश्नर फॉर ट्रेड में बहुत ही फेमस पर्सन राउफ टोरेंडॉर्फ महोदय जी, कई ऐसी कॉन्सेप्ट आई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राउफ गुस्ताव टोरेंडॉर्फ महोदय राजनैतिक एक प्रकार से जो है ये विद्वान है, और आधुनिक समाज में इन्होंने वर्ग विभाजन की व्याख्या किया है, वर्ग विभाजन की है ना, और इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अधिकार धारण करता है, उसका उपयोग वर्चस्व प्राप्ति के लिए करता है, और प्रत्येक समाज ना अपने अपने लोगों के द्वारा दूसरों के या दूसरे के पीड़न पर आधारित होता है, उसी कंडीशन के आधार बनाते हुए क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक पुस्तक आती है इनकी,
पुस्तक आती है क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसी पेपर में मिलेगा आगे, ठीक है, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 का है, फेमस है, और एक्सचेंज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी, जो है एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी 1968 का, रॉल्फ डोरेंडॉर्फ का, दो किताबें बड़ी फेमस में रही हैं, परीक्षाओं में पूछी भी गई, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, रॉल्फ डोरेंडॉर्फ का, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, एमिल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, बताइए किस रूप में बेहतर ढंग से समझ सकते हो। दुर्खिम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को समाज की एकता तथा अस्तित्व में योगदान के रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, दुर्खिम ने कहा है कि धार्मिक कार्य में या धार्मिक कार्य से सामूहिक चेतना का सुदृढ़ीकरण करना, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व संतुलन, व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन, सामाजिक जागरूकता, समाज कार्यों के लिए प्रेरणा इत्यादि का विकास होना, जिससे आप कह सकते हो कि समाज में एकता और अस्थायित्व का संचार होता है। तो धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर समझा जा सकता है, तो समाज की एकता तथा अस्थायित्व है में योगदान से समझा जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, ठीक है, बाकी इसके आगे जो है मैं कल आप लोगों को करवाऊंगा। अब पेपर आप जितना भी करें इन पेपरों के आधार पे नोट्स भी बनाते चलिए, अभी जितने नोट्स आप लोगों ने बनाया है, किताब के नाम अभी मैंने नोट करवाया है और भी चीज़ें नोट करवाई हैं, क्लास समाप्त हो गई है, अभी आप क्या करिए उस नोट्स को एक बार देखिए, चेक करिए, क्योंकि MPPSC 4 अगस्त का एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने के लिए फैक्ट का भंडार आपके पास होना चाहिए, और भंडार तभी हो पाएगा जब आप पेपर को सॉल्व करके उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको आप रिविज़न कर लें, बहुत मदद मिलेगा, लगभग बता रहा 50% मदद मिलेगा केवल पेपर से आपको, यदि आप चारों ऑप्शनों को समझ कर लिख रहे हैं तो 50%, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनने वाले हैं, समाजशास्त्र में यही चीज़ें बनेंगी, दुर्खिम से बनेगा तो यही चीज़ें बन सकती हैं, किताब आने वाली है तो यही किताबें आएंगी, कोई यूनिक चीज़ें नहीं आएगी जो आप लोगों ने पढ़ा ना हो, देखा ना हो, है ना। बाकी के क्वेश्चनों में मैं कल थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, उसके बाद आप लोगों का जो है मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट लूँगा, है ना, मैक्स वेबर, ठीक है जी सर।